तो चलो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है इरोडोब का, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। मैं सन के फ्रेम से देख रहा हूँ, सारी वेलोसिटी मैं सन के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर जब प्लेनेट है सबसे पास पॉइंट पर है, तो इस सबसे पास वाले पॉइंट पे इसको पेरिलियन कोई बोलता है, पेरेवी कोई बोलता है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी b1 है और ये डिस्टेंस r1 है। जब वो दूसरे सबसे दूर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी b2 है और ये जो डिस्टेंस है वो r2 है। लेकिन ये कह रहे हैं ये प्लेनेट मूव अराउंड द सन अलॉन्ग इलिप्टिकल पाथ एट द मोमेंट इट वाज डिस्टेंस आर नॉट द फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर बी नॉट द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर आर नॉट एंड वेलोसिटी वेक्टर बी नॉट अल्फा है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्लेनेट है वो एक खास स्पेशल पॉइंट इस पॉइंट पर है, जो कि ये जो है वो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है यहाँ पर। और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर आ रही है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है रेडियस वेक्टर से कुछ एंगल पे यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये कुछ एंगल पे यहाँ पे आ रही है, ये एंगल कुछ इनके बीच का थीटा है, ठीक है। चलो तो ये यहाँ से ये आगे अगर तुम देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है जस्ट इस प्लेनेट, ये प्लेनेट यहाँ है तो ये वेलोसिटी वी नॉट है, और ये जो रेडियस वेक्टर आगे बढ़ा दे रहे हो इसको, तो ये एंगल अल्फा है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये बेसिकली अब तुम देखोगे ये डिस्टेंस आर नॉट है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जहाँ पर प्लेनेट है। ये टेंजेंशियल वाली लाइन है, इस टेंजेंट पे कर्व है, और ये पॉइंट सी है। तो हर पॉइंट पे तो मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी ना मेरे भाई। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेनेट फ्रॉम द, मतलब हमें R1 की वैल्यू निकालनी है और R2 की वैल्यू निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो पॉइंट ए और बी पर मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट बी और ए पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा है तो ये वी नॉट की जो कंपोनेंट है, वी नॉट का एक कंपोनेंट ये इधर आ जाएगा, दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर आ जाएगा जो ना होगा वी नॉट साइन अल्फा, और यहाँ से रेडियस ये आर नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वी नॉट कॉस अल्फा की वजह से जो सन है, हाँ, टॉर्क अबाउट द सन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो होगा। जो टॉर्क बनेगा वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से बनेगा, दिस कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट द टॉर्क। बात समझ में आ रहा? तो ये वाला कंपोनेंट टॉर्क कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला कंपोनेंट टॉर्क कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो सबसे पहला जो इक्वेशन लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए पर लिखो और बी पे बराबर कर दो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए और मैं मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी मैं लिखता हूँ। चलो तो हाफ मास ऑफ द प्लेनेट वी वन का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट और ये आर वन बराबर होगा बी पॉइंट पे बोलो, हाफ मास ऑफ द प्लेनेट और वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट और डिस्टेंस आर नॉट। तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा इक्वेशन। अब दोनों साइड क्या करो, मास ऑफ द प्लेनेट कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वी वन स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी मास ऑफ द सन और ये आर वन इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स जी मास ऑफ द सन और ये आर नॉट। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 मैं बोल देता हूँ, और ये इक्वेशन अगर मुझे आर वन की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे वी वन आराम से निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, आर वन की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एट ए मस्ट बी इक्वल टू बी, तो ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी वन आर वन, और बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी नॉट आर नॉट ये आ जाएगा। लेकिन क्या मैं वी नॉट रखूंगा, ये वाला
तो ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, ये बी नॉट साइन अल्फा, ये वाला कंपोनेंट काउंट होगा भाई। बात आ रही है समझ में? तो ये एक्सप्रेशन क्या है कि गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें पूरा जो है बी नॉट नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम आई होप किया था होगा एम, तो ये ना बी नॉट साइन अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट, तो यहाँ से आर वन की जो वैल्यू आ जाएगी, आर वन की जो वैल्यू आ जाएगी, एम एम इसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से आर नॉट वी नॉट, आर नॉट वी नॉट साइन अल्फा बराबर हो डिवाइडेड बाई वी वन, तो यहाँ से मैंने वी वन को डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये जो है इस इक्वेशन को वन में पुट कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन को हमें चाहिए आर वन यार, तो यहाँ से वी वन की वैल्यू निकालो ना, तो वी वन की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट वी नॉट साइन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, आर नॉट वी नॉट साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आर वन। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से पुट अप कर देता हूँ इसमें, तो फाइनली हाँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट आर वन। तो अगर मैं वी वन की वैल्यू रख देता हूँ, तो सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व योर सेल्फ, तो खुद ही सेल्फ सॉल्व करो इसको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वहाँ पे जो आर वन की वैल्यू निकल के आती है, तो आर वन की वैल्यू आती है आर नॉट टू टाइम्स माइनस ईटा, और ये आ जाएगा वन प्लस माइनस वन माइनस, यहाँ से देखोगे तो टू माइनस ईटा, और यहाँ से ईटा से मल्टीप्लाई अगेन, और साइन स्क्वायर अल्फा का टर्म, और ये सारे टर्म जो है वो अंडर रूट हैं, तो ये वाला वेयर, यहाँ पर जो अल्फा जो ईटा है वो एक अलग से कांस्टेंट है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, आर नॉट बी नॉट का होल, आर नॉट बी नॉट का स्क्वायर, और जी मास ऑफ द सन, ये है ईटा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली खुद ही सॉल्व करो, तो ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन है, और आर वन जो है मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, आर वन की पॉजिटिव वैल्यू, ये एक्चुअली मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और यहाँ से जो आर वन है दैट इज निगेटिव वैल्यू इसका जो आ जाएगा वो है मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।